के सबसे बड़े चुनाव मैं हूं सुरेंद्र सिंह, जिलाधिकारी वाराणसी। जिला निर्वाचन अधिकारी की दृष्टि से मैं आपसे अपील करता हूं कि इस बार के चुनाव में सभी लोग वोट डालने जाएंगे। इस बार के चुनाव में जो 19 फरवरी को है वहां शेडिंग एरिया होगा, वेटिंग एरिया होगा, पानी की फैसिलिटी भी नहीं पानी। मैं हूं सुरेंद्र सिंह, जिलाधिकारी वाराणसी। जिला निर्वाचन अधिकारी की दृष्टि से मैं आपसे अपील करता हूं कि इस बार के चुनाव में सभी लोग वोट डालने जाएंगे। इस बार के चुनाव में सभी वोटरों से अपील है कि बिना किसी से डरे भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिक से अधिक संख्या में आके वोट डालें। और अगर कोई भी आपको वोट डालने से रोकता है, डराता है, धमकाता है या किसी भी तरह का प्रलोभन देता है तो उसके बारे में पुलिस को, कंट्रोल रूम को, 100 नंबर को सूचित करें। अपने संबंधित थानाध्यक्ष, सर्कल ऑफिसर और सभी पुलिस अधिकारियों के मोबाइल नंबर अपने पास रखे रहें और अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति बनती है तो उसके बारे में पुलिस को जरूर सूचित करें। हम सब ये जानते हैं कि हमारे प्रजातंत्र का एक मूलभूत आधार है इलेक्शन की प्रोसेस, और उस प्रोसेस को मजबूत बनाने के लिए हम सब लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी व्यक्ति वोट डालने से वंचित रहा तो एक तरह से हमारे लोकतंत्र का एक नुकसान हो रहा है। इसलिए सभी लोग अपने अधिकार का प्रयोग अवश्य करें। जिसके लिए आप वोट डाल रहे हैं उस उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी रखें, उसका आपराधिक इतिहास, उसके क्रियाकलाप, उनके बारे में पूरी जानकारी रख के निष्पक्ष रूप से और बिना किसी प्रलोभन के अपने अधिकार का प्रयोग करें। अपने अधिकार का मूल्य हमें समझना पड़ेगा और उस मूल्य को समझते हुए पूरा विवेक के साथ अपना वोट डालना पड़ेगा। तो मैं पुनः सबसे अनुरोध करूँगा कि हमारे इस मूलभूत अधिकार का हम मूल्य जानें और उसका बहुत ही सोच समझ के। आदिवासियों को मेरा नमस्कार। मैं कौरांग राठी, मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी। आप सभी को देश के इस महात्योहार जो कि लोकसभा जनरल इलेक्शंस 2019 उसके लिए एक निमंत्रण देने आया हूँ। 19 मई 2019 को यह त्यौहार हमारे जिला वाराणसी में मनाया जाएगा। इसमें आपके प्रतिभा करने के कई तरीके, कई आयाम हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड हों। इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर करने के लिए आपको वेबसाइट के माध्यम से और ऐप के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। आप 1950 पे भी कॉल करके डायरेक्ट बूथ लेवल ऑफिसर से फ़ोन पर बात करके अपना नाम अपने क्षेत्र में इलेक्टोरल रोल में चलवा सकते हैं। जो वेबसाइट है उसका नाम है electoralsearch.in। electoralsearch.in पर जाकर आप सिंपल एक मेथड फॉलो करके अपनी नेम और बाकी डिटेल्स देकर और इसके अलावा अपना एपिक नंबर से भी आप जान सकते हैं कि आपका नाम जुड़ा है। और यदि अगर आपका नाम जुड़ गया है तो कहाँ आपका बूथ है, उस बूथ में किस नंबर पर आपको वोटिंग में आपका क्रमांक है, ऐसी पूरी जानकारी जो मतदाता पर्ची होती है उसमें आपको पूरी जानकारी अंकित मिलेगी। केवल यही नहीं, आपको गूगल
ऐप लोकेटर, गूगल बूथ लोकेटर के माध्यम से भी, जो कि उसी वेबसाइट पर आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप ये भी जानकारी जान सकते हैं कि कहाँ आपकी बूथ लोकेटर है। जैसा मैंने कहा कि ऐप के माध्यम से भी वोटर हेल्पलाइन ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आराम से मिल जाएगी, तो वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी आप जाकर सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि निर्वाचन पूरी प्रक्रिया में आपको जोड़ने में सहायक साबित होगी। काशीवासियों से मेरा यही आग्रह है, यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और काशी को, जैसे और सभी चीज़ों में काशी देश में अपना नाम प्रसिद्ध करता आया है, इसी प्रकार से आप सभी को ध्यान रहे, वोट देना न केवल आपका राइट है बल्कि आपकी जिम्मेदारी, आपकी ड्यूटी भी है। जय हिंद, जय हिंद। मैं ASP वाराणसी सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि वे मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मताधिकार लोकतंत्र में मतदाताओं की आवाज़ उठाने का एक सशक्त जरिया है। इसके माध्यम से मतदाता अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हैं, साथ ही अपनी सरकार को उत्तरदायी बना सकते हैं। इसलिए मेरी अपील है मतदाताओं से कि मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। धन्यवाद। मैं उन दिव्यांगजन महिलाएं और हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनसे मैं अपील करना चाहती हूँ कि उस दिन आपके लिए विशेष लाइन लगी है दिव्यांगजन के लिए व्हील चेयर से, और 200 मीटर तक गाड़ियां जा सकती हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं हमारे इलेक्शन कमीशन ने दी हैं और कुछ पोलिंग मॉडल पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं जिसमें शेड्स की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, कुछ पूरा त्यौहार की तरह वहां सेलिब्रेट किया जाएगा और हर जगह पीने के पानी की व्यवस्था है, शेड्स हैं, चेयर हैं बैठने के लिए। तो अपने आप को घर में ना बैठिए, उस दिन त्यौहार का दिन है तो त्यौहार घर में सेलिब्रेट नहीं करना, क्योंकि ये लोकतंत्र का त्यौहार है। हम मतदान बूथ तक जाएंगे तभी ये त्यौहार सेलिब्रेट होगा। तो अपने घर में चाहे युवा हों, चाहे महिलाएं हैं, चाहे सीनियर सिटीजन हैं, जितने भी हर आयु वर्ग के लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, सबको मतदान बूथ पर लाएं और मतदान अवश्य करें। मेरा नाम डॉक्टर रजनीकांत है। इस देश के महान लोकतंत्र के पर्व में हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि एक मजबूत सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए, इस देश की समृद्ध विरासत के लिए मतदान अवश्य करें।